हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पत्ता गोभी चिली। इसके लिए हम एक पत्ता गोभी लेंगे, उसे बिल्कुल पतला पतला चाकू की हेल्प से काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पत्ते गोभी बिल्कुल रफली चॉप पतले पतले कट के रेडी हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। इसके लिए एक बाउल ले लेंगे, इसमें 250 ग्राम मैदा डाल लेंगे। उसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और केचप। हमने जितने भी काट करके रखे थे कैबेज, उसको ऐड कर लेंगे। हाथों की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे। हल्का सा पानी ऐड कर लें ज़रूरत पड़ने पे, और बिल्कुल इसका बैटर थिक रखना है। आप देख सकते हैं तैयार हुए बैटर से हम गोल गोल चिली बॉल्स बना लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में रखने से ये अंदर से पक भी जाएंगे और बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। बाकी सारे बैटर की हम चिली बॉल्स बना के उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद आता है लास्ट प्रोसेस, जो सॉटे करने का है। इसके लिए कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, उसमें ग्रीन चिली, बारीक कटे हुए अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च और प्याज डाल के उसे थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। हमें पकाना है बिल्कुल भी नहीं है, आधा कच्चा भी रहता है चलेगा। ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। देन डालेंगे केचप, ग्रीन चिली, अच्छे से मिला लेंगे। जितने हमने बॉल्स बना के रेडी किए थे उसे डाल करके मिक्स कर लेंगे। सो या डन, हमारा कैबेज चिली बिल्कुल बन के रेडी है। इसे हम प्लेट में सर्व करें। डू ट्राई आउट दिस रेसिपी एट योर होम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय।